मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि 2014 से लेकर 2023 तक मोदी की एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश की व्यवस्था बनाऊंगा, लेकिन क्या देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा मोदी की गारंटी भी भाजपा का जुमला है। 2014 से लेकर 2023 तक मोदी की एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश की व्यवस्था बनाऊंगा, लेकिन क्या देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने वादा खिलाफी की है जनता के साथ। आम जनता निराश और परेशान है। लोकतंत्र के उत्सव में जनता यह याद रखे कि मोदी ने जो इंडिया बनाने की बात कही थी उसके विपरीत भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है। पीएम केयर फंड में कितना भ्रष्टाचार और वसूली हुई यह भी सामने आएगा। इलेक्टोरल ब्रांड करप्शन सामने आने के बाद साफ हो गया है कि मोदी सरकार से करप्ट कोई नहीं, चुनावी बॉन्ड जबरन वसूली का उदाहरण बना है। देश के हिस्ट्री में आज तक कोई दूसरी नहीं हुई। लीगल करप्शन कैसे किया जाता है इसके उदाहरण पेश हुए। कल एक टीवी चैनल पर अमित शाह जी बॉन्ड की लीगलिटी को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे, पर बॉन्ड चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली का प्रत्यक्ष उदाहरण बना है। जो सियासी दलों ने, खासकर सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी ने इससे धन एकत्र किया, उससे उन्होंने विधायक खरीद फरोख की 17 सरकारें गिराई, सांसद खरीद फरोख की, और लोकतंत्र की कैसे हत्या होती है, कई उदाहरण दिए। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, चुनावी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से SBI के मना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद जो डाटा सामने आया उसमें क्लियर हुआ कि एक लॉटरी किंग ने इतना बड़ा पैसा दिया, सब अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में है, पर बड़ी मीडिया चैनल में एक में भी नहीं है, हाउस में एक में भी नहीं है। न इस पर कोई डिबेट है, न इस पर कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पड़ताल या रिपोर्टिंग है। इसका मतलब है कि सरकार का पे जो दूसरा आरोप लगता है मीडिया पे कंट्रोल का, वो भी सिद्ध होता है। और जैसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि दानदाताओं की एंट्री है 18,871, जबकि लेने वालों की एंट्री है 20,421, तो लगभग 1500 एंट्रियां गायब है। वो एंट्रियां कौन सी है और उन्हें किसको पैसा दिया, ये अपने आप में ये मैसेज करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार का तांडव मचाया, यह सर्वविदित है। बाकी डिटेल में अलग अलग स्केल पे हम अपनी बात कहते हैं। मैं एक ये लिखित अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला, लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के कांडव वाला इंडिया बना दिया, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।